दिल्ली में आप रहते हैं तो ये जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। जी हाँ, हम बता दें कि अगर आपके घर की छत पर डेंगू मच्छर का लावा मिला तो आपका 5,000 रुपये का चलान होगा। ये जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी है। सिटीजन पोस्ट ने इस चलान को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों ने हमारे कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। आप भी सुने। डेंगू की रफ्तार को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह ऐलान किया है कि अगर आपके घर की छतों पर पानी मिला और पानी में मच्छर का लावा मिला तो आपका 5,000 रुपये का चलान MCD के अधिकारी काट देंगे। इसी मुद्दे को लेकर सिटीजन पोस्ट ने लोगों की राय जानी तो लोगों ने अपनी राय अलग अलग तरीके से दी। कुछ लोगों ने कहा कि 5,000 का चलान बहुत ज्यादा है और इससे लोगों के काम धंधे पे भी असर पड़ेगा, पहले ही काम नहीं है और इतना मोटा चलान करना कहीं ना कहीं सरकार की अपनी मंशा को दर्शाता है। सरकार को चाहिए कि वो खुद अपनी व्यवस्था करे, सरकार मच्छर पैदा होने के लिए दवाइयों का समय पर छिड़काव करे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कहा कि सरकार अपना काम तो ठीक से करती नहीं है, नाले नाली की सफाइयां नहीं करती है और जनता के ऊपर मोटा चलान थोपकर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ गलती है हमारी, जो पार्कों में पेड़ों पर वगैरह पर मच्छर हो रहे हैं, पब्लिक क्या कर रही है? क्या उसका जो गवर्नमेंट को ये चाहिए छिड़काव करावे ताकि छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं पार्कों में तो कहाँ से करेंगे? ये दुखदायी हो रहा है क्या? यही बात 500 के 5,000 की साले पर रोटी खाने को नहीं है, वो आपको 5,000 रुपये कहाँ से देगा? मेरे हिसाब से ये जो 5,000 रुपये का लगाया चलान ये ओवर है। जहाँ तक पहले 500 तक था आप 1,000 कर सकते थे, लेकिन ये ओवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1,000 कर सकते थे। और वैसे भी इतने बाहर जो है डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि बाहर इतनी मच्छर वच्छर बहुत फैल रहे हैं, क्योंकि पानी हर जगह भर रहा है बारिशों की वजह से, नालियाँ भी भर रही हैं। तो इनको चलान पहले दूसरे पे चलान लगाने से पहले इन्हें खुद अपने हिसाब से दूसरे जो सफाइयाँ वो करनी चाहिए। इन्हें जगह जगह मच्छर मारने की दवाई डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम ऑल आउट भी लगाते हैं मोर्टिन, उससे भी मच्छर मर नहीं रहे हैं। जो घर में मच्छर है वो मरते ही नहीं है किसी भी तरीके से। शायद इनको अपनी जो दवाई है गवर्नमेंट की वो इनको हर जगह डालनी चाहिए, शायद उससे कुछ हो पाएगा। ये चलान ओवर है। जी, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज अब 500 रुपये की जगह 5,000 का चलान की बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में पानी में मच्छरों का लावा मिलता है तो क्या कहेंगे, सही है गलत है? वैसे तो ये गलत है, इतना टैक्स काम धंधे है नहीं, पब्लिक के ऊपर घर के ऊपर बरसात हो रही है, पानी सफाई तो करते हैं, हो सकता है कहीं पानी रुक जाए तो क्या करेगा? इतना 5,000 के वही उनकी सरकार है, क्या करे? 5,000 दे दे, कहाँ से लाएगा आदमी? खाने को तो हो नहीं रहा, मैं काम धंधे है नहीं, महंगाई इतनी हो रही है, उस पर तो कोई बात नहीं करता। उनका कहना है कि दिल्ली में डेंगू फैल रहा है, उसको रोकने का तरीका एक यही बचा है ना, ये इससे फैला क्या? पब्लिक अगर बरसात हो रही है हर जगह, नालियों में कितने मच्छर होते हैं, उनकी सफाई क्यों नहीं करता? नालियों भड़ी पड़ी है, उनको साफ क्यों नहीं करता? नालियों को कौन करेगा? देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जब MCD के अधिकारी ये चलान काटेंगे तो लोगों में किस प्रकार रोष होगा। मैं परवेश शर्मा, सिटीजन पोस्ट, दिल्ली।